हेलो ऑल, दिस इज़ कुमार चंदन। आज हम लोग इस कोर्स में डेटा के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि डेटा कैसे मार्केट को ड्राइव करता है। जैसे हमें पता है कि आप जब भी FNO ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन में करते हो या फिर फ्यूचर में करते हो, तो वहाँ पे बहुत सारा डेटा जनरेट होता है। और एक बार आप उस डेटा को समझ पाते हो तो मार्केट का सेंटिमेंट को समझ पाते हो। तो इस कोर्स में हम लोग वो सारी डेटा को समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे क्या क्या डेटा है जो मार्केट को ड्राइव करती है और कैसे ये डेटा किसी मार्केट को ड्राइव करती है। तो इस कोर्स में क्या क्या चीज़, क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इस कोर्स में हम लोग जो पहला चीज़ डिस्कस करेंगे वो है आपका भाव कॉपी के बारे में देखेंगे। जो भाव कॉपी NSE पे अवेलेबल है तो उससे हम लोग क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, उसमें हमें काम की क्या क्या चीज़ें हैं, तो भाव कॉपी को भी समझने की कोशिश करेंगे और उससे डेटा जो अपने मार्केट के लिए चाहिए वहाँ से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ में हम लोग ऑप्शन चेन को इंट्रोड्यूस करेंगे और समझेंगे वहाँ किस तरह के डेटा मिलता है और ये हमारे किस काम का होता है। ऑप्शन चेन में ही आपका ओपन इंटरेस्ट बन मिलता है ऑप्शन के लिए और ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर के लिए भी मिलता है, तो ओपन इंटरेस्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। फिर से इसमें आपका वॉल्यूम भी आता है, तो वॉल्यूम को भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे रिएक्ट करता है मार्केट में। और साथ ही साथ हम लोग प्राइस, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये कैसे मार्केट में रिएक्ट करता है और जब ये एक संग आता है तो इसका असर क्या होता है। और ये भी साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कि OI जो होता है, ओपन इंटरेस्ट होता है, वो क्या क्या मैसेजेज हमें कन्वे करता है, कितना OI है तो हमें क्या समझना चाहिए, तो उस चीज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग प्रीमियम और डिस्काउंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ये क्या होता है और कैसे इससे हम लोग क्या ड्राइव कर सकते हैं और वो डेटा किस काम का है। रोल ओवर स्टेटिस्टिक्स को भी जानने का कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है और कैसे हेल्प कर सकता है। और मैक्स पेन और PCR रेशियो को भी, पुट कॉल रेशियो को भी जानने का, समझने का कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल ये जो कोर्स होगा ये आपका ड्राइवेटिव डेटा का एक एनालिटिक्स का कोर्स है और FO या फिर FNO के लिए भी बोल सकते हैं, ये डेटा का एनालिटिक्स के लिए कोर्स है। तो अगर आपका इंटरेस्ट डेटा में है तो ये आपके लिए बेस्ट कोर्स होगा। तो चलिए हम लोग इसका शुरुआत करेंगे और साथ ही आठ कोर्स का वीडियो, ये कोर्स साथ ही आठ वीडियो का होगा, तो इसमें हम लोग पूरी चीज़ें बेसिक से एकदम कवर करेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको थोड़ी सी बेसिक आनी चाहिए, ये बेसिक नहीं है, इंटरमीडिएट कोर्स है, तो मैं ये मान के चलूँगा कि आप लोगों को कुछ बेसिक ऑप्शन का आता है, तो इस चीज़ का एक बार ध्यान रखें। अगर है तो ये बेसिक आपको ऑप्शन का आता है तो ये आपके लिए कोर्स है। थैंक यू।